तुम किसी लापता के नहीं लापता के चाहने वाले हो। मैं तो हजार बार कहता हूँ नौजवानों, अली का नाम लेने में कभी शर्मत महसूस करना, हुसैन का नाम कभी शर्मा कर मत लेना। अरे बीच चौराहे पर सीना चीर कर बताना कि अली के चाहने वाले हो, हजारों के मजमे में कॉलर चीर कर बताना कि हुसैन के चाहने वाले हो। वजह ये है रन्नो वालों कि आज वो दौर है जब यजीदी यजीदी होने पे नहीं शर्माता, तो हम हुसैनी होने पे क्यों शर्माए। यजीदी इस वक्त यजीदी होने पे नहीं शर्माता और हम हुसैनी होने पे शर्माए। कसम खुदा की ये शरफ हुसैन ने हमें दिया है कि हम तादाद में कम हैं, मगर सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हुसैनी है। और जो यजीद की औलादे बाकी भी है ना, इसलिए कि बाकी तो है, अभी बचे हुए लानत के हार बाकी है, यजीद मर गया कुछ रिश्तेदार बाकी है। अब तुम पूछोगे ना मौलाना यजीद का रिश्तेदार कौन है, एक रिश्तेदार तो हिंदुस्तान में कन्फर्म हो चुका है, कन्फर्म रिश्तेदार है यजीद का, कौन? जाकिर नायक, कन्फर्म रिश्तेदार। मगर हुसैन का खौफ देखो कि यजीद को रजी अल्लाह तो कहा मगर अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। तवज्जो, ये एहसान है अली का कि हम सीना चीर कर बताते हैं अली वाले हैं। तब अबू जहल चला, अली के झूले के करीब आया, एक मरतबा अपने शीशी से उस सुरमे को निकाला, निकाल कर चाहता था कि अली के आंखों में लगाए। जैसे ही झूले की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, एक मरतबा गहवारे से अली के वही हाथ बुलंद हुए कि जिन हाथों से जवानी में दरे खैबर उखाड़ना था। एक मरतबा अली ने गहवारे में ही अबू जहल को तमाचा रसीद किया, और ऐसा तमाचा रसीद किया कि अबू इधर हो गया